बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। वो मात्र 54 साल के थे और काफ़ी समय से कैंसर की बीमारी से लड़ रहे थे। इरफान के मौत पर पूरा बॉलीवुड सदमे में है। इरफान खान बॉलीवुड के एक जाने माने कलाकार थे और उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, जिनमें पान सिंह तोमर, द लंच बॉक्स, पीकू, मकबूल, सलाम बॉम्बे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जैसी फिल्में शामिल हैं। इंग्लिश मीडियम उनकी आखिरी फिल्म है जो हाल ही में रिलीज हुई थी। आपको बता दें कि इरफान खान ने बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया था। चंद्रकांता, चाणक्य, जय हनुमान, बनेगी अपनी बात और श्रीकांत जैसे सीरियल में उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया था। इसके साथ ही उन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया था। इरफान को अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड से हर कोई आना चाहता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा लोग नहीं आ पाए। परिवार के लगभग 20 लोग ही उनकी अंतिम यात्रा में शरीक हो सके और उन्हें वर्सोवा स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया। वहीं इरफान खान के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि इरफान की मौत से सिनेमा और रंगमंच की दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति है।